वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने शेयरिंग चैनल दिवस शेयर्स में। आशा करता हूं आप सब अपना और अपने परिवार का बहुत 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 ख्याल रख रहे होंगे। चलिए आज नया क्या है। बचपन में मुझे अभी भी याद है, एक शेविंग क्रीम का एड आता था और उसकी पंच लाइन या टैग लाइन हुआ करती थी, पामोलिव द जवाब नहीं। जी हाँ, अगर आप उस जनरेशन के हैं 80s और 90s के बीच में, तो आपको याद होगा हमारे क्रिकेटर कपिल देव साहब उस ब्रांड को, उस शेविंग क्रीम को इंडोर्स करते थे। और यस, आज मैं आपको अपने व्यूज या मैं कहूँगा अपना यूजर एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इस लेजेंडरी क्रीम के बारे में, पामोलिव फॉर मेन। अब ये बड़े दुख की बात है कि कोलगेट पामोलिव कंपनी ने इस क्रीम को शायद डिसकंटिन्यू कर दिया है, क्योंकि इट्स नॉट अवेलेबल। और काफ़ी टाइम पहले ये मैंने प्रोक्योर की थी और जस्ट एज अ, जैसे कहते हैं ना कि कलेक्टर्स एडिशन, तो ये मैंने अभी भी रखी हुई है। ऑलमोस्ट ये अपनी एक्सपायरी डेट को टच कर चुकी है, मिलती नहीं है अब ये। ज़्यादातर ये है जितने भी हमारे पोर्टल्स हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उसमें नॉन अवेलेबिलिटी के बारे में, इसके बारे में लिखा जाता है, मिलती नहीं है। तो काफ़ी समय पहले एक स्टोर में, एक मेरे को इस तरह के स्टोर में ये मिली थी और मैंने इसको खरीद लिया था। तो आज इसके बारे में अपने यू नो यूज़र एक्सपीरियंस में शेयर करूँगा डेफिनेटली। बट येस, इट इज़ लेजेंडरी क्लासिक यू नो शेविंग क्रीम। और बिल्कुल सही पहचाना, कपिल देव जी इसको इंडोर्स करते थे और वो पंच लाइन बहुत ही पॉपुलर हुई थी, बड़ी फेमस हुई थी, पामोलिव दा जवाब नहीं। तो फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी, हल्की सी लेवेंडर की इसमें से मेरे को स्मेल आ रही है। और अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें नॉर्मल जो इस तरह की 60-70-80 रुपीस की जो शेविंग क्रीम होती है, वही इंग्रेडिएंट्स है इसमें। स्टेरिक एसिड है, ग्लिसरीन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ परफ्यूम, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सो लेट्स सी हाउ दिस क्रीम गिव्स मी द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस टुडे। और इसी के साथ मेरी जो बियर्ड है वो साढ़े चार दिन पुरानी है, तो आई एम टुडे गोइंग टू यूज ओपन कॉम रेजर पार्कर 26C, वन ऑफ माय फेवरेट्स, नोन फॉर वेरी स्मूथ शेव। सो इसको आज मैं लोड करूंगा, 3-piece रेजर है ये, एंड टुडे आई एम गोइंग टू लोड विल्किंसन सोड ब्लेड। ये ब्लेड मेरा गो टू ब्लेड है, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, तो इस ब्लेड का दूसरा इस्तेमाल होगा। सो माय रेजर इज रेडी। और इसी के साथ पर्ल का ये ब्यूटीफुल सिंथेटिक ब्रश, इसको ऑलरेडी मैंने कुछ देर पहले भिगा चुका हूँ। स्नान मैंने कर लिया है, फेस हल्का सा मॉइस्चर है, मगर आज मैं प्री शेव ऑयल जरूर लगाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट, देर इस बात की। सो आई एम गोइंग टू यूज हजामत प्री शेव ऑयल, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ बूंदे ही काफी हैं। सो दिस मच इज इनफ। आइडियली जब आप प्री शेव ऑयल लगाओ तो एक आध मिनट अपने बियर्ड को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, लगाते ही आप लादरिंग ना करें। लेट द ऑयल शुड बी सोक्ड बाय दैट यू नो बियर्ड एरिया। और रुके से आप इस तरह से मसाज करके प्री शेव ऑयल को इस तरह से रब करके, मसाज करके आप लगा लें और थोड़ी देर के लिए ऐसा छोड़ देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
पहले मैं भी ऐसे ही करता था, लगाते ही फिर मैं लादरिंग करता था, तो कई बार लादरिंग भी नहीं हो पाती थी। उसका एक रीज़न ये भी है कि शायद ज़्यादा ऑयल लगा दिया जाता था, तो कुछ बूंदें काफ़ी होती हैं। तो ये जो है एक जो ऑयल की जो फिल्म होती है, और इस पर्टिकुलर जो आपका बियर्ड एरिया उसको बहुत स्मूथ कर देता है। और फिर जो रेजर ग्लाइड में जो मज़ा आता है वो एक एक्सपीरियंस अलग होता है। So you can see, हल्का सा वेरी लाइट ग्रीन कलर है इसका। So बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है ये, बट sadly इट इज नॉट अवेलेबल नाउ। So let me squeeze out all the water. Let's create lather. Amazing. Lovely fragrance. तो ये क्रीम जो है अपनी एक्सपायरी डेट को ऑलमोस्ट टच कर चुकी है। बट इट इज स्टिल क्रिएटिंग गुड लादर। तो कोलगेट हमारे यहाँ एज अ टूथपेस्ट ब्रांड पॉपुलर है, मगर यूरोप में जो है कोलगेट के शेविंग फोम्स भी अवेलेबल हैं, एक शेविंग ब्रांड भी है, मगर हमारे देश में कोलगेट कभी भी एक शेविंग ब्रांड नहीं रहा, वो टूथपेस्ट ब्रांड ज़्यादा फेमस रहा। और यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स पामोलिव के नाम से रखते थे, पामोलिव शेविंग क्रीम। तो मुझे अभी भी याद है कॉलेज डेज में मेरे को मेरे किसी फ्रेंड ने कोलगेट का शेविंग फोम गिफ्ट किया था। एट दैट टाइम इट वाज अ लग्जरी फॉर मी, तो मैं बड़ा कंजूसी से इस्तेमाल करता था उसको। और तब मेरे को पहली बार पता लगा था कि कोलगेट जो है वो शेविंग प्रोडक्ट्स भी बनाता है। वेरी थिक लादर, काफी थिक लादर है इसका। तो थोड़ा सा पानी मिला के मैं इसको ईजन आउट कर देता हूं। सो ओपन कॉम यूज करने का मतलब आपको पता लगी क्या होगा, बियर्ड काफी बड़ी है। सो तीन चार दिन पुरानी दाढ़ी में ओपन कॉम रेजर जो होता है वो ज़्यादा अच्छी सहूलियत और ग्लाइड प्रदान करता है। वेरी सटल स्मेल, सो आई थिंक दैट्स इनफ।
चलिए पार्कर 26C ओपन कॉम रेजर लोडेड विद जिलेट विल्किंसन स्वॉर्ड जिलेट विल्किंसन स्वॉर्ड ब्लेड एंड विद द ग्रेन आई एम गोइंग फर्स्ट पास. तो डेफिनेटली ओपन कॉम जो रेजर होता है वो ब्लेड को ज्यादा एक्सपोज करके रखता है. सो यू कैन सी, आप देख सकते हो, यू कैन सी द ब्लेड कैप. सो इट प्रोवाइड्स मोर ब्लेड एक्सपोजर जिसकी वजह से आपकी जो बियर्ड होती हैवी बियर्ड वो आराम से साफ होती है. मगर इसमें एक चीज याद रखने की है कि नॉर्मली क्लोज कॉम में इतना चलता है 30 डिग्री एंगल, इसमें 40 टू 45 50 डिग्री तक का आपको बेंड या एंगल बनाना पड़ता है. आपको दिस इज इनफ फॉर क्लोज कॉम रेजर, बट ओपन कॉम में एक स्मूथ फीलिंग के लिए इतना आपको एंगल लेके चलना पड़ता है. तो आप कितने ही इस तरह के YouTube चैनल्स या शेविंग रिलेटेड ब्लॉग्स को पढ़ लो, जब तक आप खुद इसका अभ्यास नहीं करोगे आपको वो फील नहीं आएगी. बहुत ही आराम से दिस रेजर इज रिमूविंग माय स्टबल. Superb. So, यहां पे सफा चट क्लीन बोल्ड और यहां पे हल्का हल्का अभी भी थोड़ी सी स्टबल बाकी है. सो लेट्स गो फॉर सेकेंड पास. तो आपको अगर वो एड देखना है कपिल देव जी का तो आप YouTube में देख सकते हो. तो वो एक हल्का सा ठेठ हरियाणवी लहजे में जो वो बोलते हैं पामोलिव का जवाब नहीं, तो वाकई में उस समय बड़ी ये पंचलाइन बहुत पॉपुलर हुई थी. बट दिस इज हाउ यू नो द ब्रांड्स गेट यू नो डाइल्यूटेड, दे बिकम एक्सटिंक्ट जब इनको जो है लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता. तो मैंने बहुत कोशिश की इनको ढूंढने की मगर अब ये नहीं मिलती ये वाली क्रीम. आपको कहीं मिले तो यू कैन डेफिनेटली प्रोक्योर दिस क्रीम, आई रिकमेंड इट. मगर हाँ, विदेशी वेबसाइट्स में आपको ये मिल जाएगी, बट देन द कॉस्ट विल बी एग्जॉर्बिटेंट. और पामोलिव की एक शेविंग स्टिक भी आती है, हमारे इंडियन मेड शेविंग ग्रुप में कुछ लोगों के पास शायद है वो. शेविंग स्टिक मैंने कभी यूज नहीं की. सो लेट्स गो फॉर सेकेंड पास अक्रॉस द ग्रेन.
बहुत ही बेहतरीन फ्रीजर है ये क्वालिटी के मामले में। और जितने भी अभी तक मैंने ओपन कोम फ्रीजर्स यूज़ किए हैं, चाहे रोमा 7 के चाहे पर्ल के, ये जो है पाकर का 26C ओपन कोम फ्रीजर, ये सबसे स्मूथ शेव हर बार मेरे को निकाल के देता है। The neck area, I am going as usual against the grain. For most of the people, this area is trouble spot, this area is trouble spot, this area is trouble spot. क्योंकि यहाँ पे grains जो होते हैं कभी कभी जो है उनकी position change हो जाती है। यहाँ आसान होता है आपकी grain आप पकड़ लोगे, मगर यहाँ पे यहाँ के बाद कभी ना कहीं club कर रहे होते हैं। सही बोल रहा हूँ ना? I hope so. तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, और मैं बार बार कहता भी हूँ कि एक अच्छी सेटिस्फाइंग शेप के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पूर्व की तैयारी प्री शेप जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, तो आपको आपकी शेविंग के एंड में कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एकदम बेबीएस शेप, स्मूथ शेप, वेरी स्मूथ शेप, वेरी नाइस। सो स्किन के जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं और एलम से अच्छा और सस्ता टिकाऊ एस्ट्रिंजेंट और कोई नहीं है। इस तरह के एलम ब्लॉक्स आपको लोकल जो आपके बार्बर शॉप्स हैं जहाँ पे बाबर प्रोडक्ट्स मिलते हैं रिटेल भाव में, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये बहुत महंगे आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कई बार मैंने देखा है कुछ इस तरह के कमर्शियल जो हमारी वेबसाइट्स हैं उसमें ये 200 250 300 400 तक के बिक रही हैं, ये मेरे को 10 रुपये में मिल जाती है यहाँ पे। एंड इट्स अ परफेक्ट ब्लॉक, 10 रुपये मैक्सिमम 20 रुपीज। अप्लाइंग प्री शेव ऑयल मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस, बट क्योंकि गर्मी यहाँ पे ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो मैं उसको लगाने से बचता हूँ। आई जनरली अप्लाई मोस्ट ऑफ द टाइम इन विंटर्स। सो लेट्स कम फॉर द फाइनल पार्ट एंड लेट्स कीप द थिंग्स वेरी बेसिक। सो टुडे आई एम गोइंग टू अप्लाई एक्स पोस्ट शेव बाम इसकी स्मेल कुछ ना कुछ इस क्रीम से जेल कर जाती है, मिलती है। टोंका बीन्स की अच्छी खुशबू, वाओ। सो ऑलमोस्ट नियर परफेक्ट शेव टुडे, कंप्लीटली थॉरली सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर शेविंग सेशन टुडे। तो चलिए जल्दी से रैप अप करते हैं इसको। सो लाजवाब बढ़िया क्रीम, ये जो क्रीम है अब अवेलेबल नहीं है,
सो एज अ कैरेक्टर्स एडिशन मैंने अभी ये रखी है अपने पास, और जब भी कभी कभी मन करता है तो वाकई में हर बार एहसास होता है कि वाकई में स्क्रीन का जवाब नहीं। तो कोलगेट पामोलिव, इट्स माई हार्टियस्ट रिक्वेस्ट, प्लीज ब्रिंग दिस क्रीम बैक। और इसकी एक लाइन वाली भी आती है क्रीम की, ये दोनों क्रीम प्लीज ले आइए, ऐड कीजिए, लोग क्यों नहीं खरीदेंगे। फंटास्टिक फंटास्टिक शेविंग क्रीम। पार्कर 26 सी, इसके बारे में कुछ कहना बेकार है क्योंकि इतना अच्छा रेजर है ये, बिल्ड क्वालिटी टैंक लाइक, एंड एवरी टाइम व्हेन आई हैव ग्रोन अप बियर्ड, ज्यादा बड़ी बियर्ड होती है तो मैं इसको यूज करता हूँ, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन देता है। और विल्किंसन स्वॉर्ड ब्रेड जो है वो मेरा गो टू ब्रेड है, एंड इट इज फंटेस्टिक ब्रेड एज यूजुअल। तो अगर आपको मिलता है तो आप उसको यूज कर रहे हो तो उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। एंड हजामत प्री शेव ऑयल बिल्कुल भी ग्रीजी और ऑयली नहीं है, और आई रिकमेंड हाईली दैट यू शुड ऑलवेज यूज इफ यू रियली वॉन्ट टू हैव दैट काइंड ऑफ यू नो स्मूदेस्ट नियर स्मूथ शेव। सो फंटास्टिकली इट इज फोर्टिफाइड विथ ऊद ऑयल, और बहुत ही हल्की सटल ऑयल इसकी स्मेल है, बट कई लोगों को ये स्मेल पसंद आती है, कई लोगों को नहीं भी आती, क्योंकि फ्रेग्रेंसेस आर वेरी वेरी सब्जेक्टिव टू योर ओल्फैक्टरी नेचर, आपको किस तरह की स्मेल्स पसंद है उस पर है, बट मेरे को ये पसंद है एंड इट ऑलवेज गिव मी फंटास्टिक एक्सपीरियंस। एंड ऑफकोर्स एक्स पोशेव बाम, टोंका बीन्स की बहुत ही अच्छी इसमें स्मेल आती है, वेरी सटल, नॉट ओवरपावरिंग। सो सिंपल चीजों में भी शेविंग का बड़ा मजा आता है दोस्तों, सिंथेटिक शेविंग ब्रश पर्ल का, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ऑरेंज कलर है नीचे, आपको इस तरह का आप देख सकते हो। सो इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग फैंटास्टिक लेदर, तो वही मैं कह रहा था, सिंपल चीजों में भी आप अपनी शेविंग का भरपूर आनंद और मजा ले सकते हो। सो देर किस बात की, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए, शेविंग के साथ आगे बढ़ते रहिए, दिन की शुरुआत बढ़िया रखिए, पॉजिटिव नोट के साथ रखिए, तो लास्ट तक आपकी बैटरी एटलीस्ट रिचार्ज रहेगी। सो विद दिस नोट आई एम एंडिंग टुडेज माय सेशन। अगर आपको मजा आया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कुछ भी अगर आपको इसमें आपको अपने सजेशंस देने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मेरे से कुछ भी पूछिए, मैं तहे दिल से आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो विद दिस नोट लेट मी एंड माय टुडेज सेशन। जय हिंद।